हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आज मैं पुए की दूसरी रेसिपी लेके आई हूँ। एक पहले रेसिपी बना चुकी हूँ मैदा और सूजी का, आज उड़द का पुआ बना के दिखाऊंगी आपको। आइए बनाते हैं मेरे तरीके से। यहाँ पे मैंने साबुत उड़द लिया है, ये करीब 100 ग्राम है। इसे मैंने 3-4 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दिया था। अब ये सोख हो चुका है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अब इसे मिक्सर जार में डाल के इसको हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे का एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से एकदम फाइन पेस्ट है, देखिए। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ पे हाफ कप मैदा, हाफ कप चावल का आटा, हाफ कप सूजी और 4 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हाफ कप चीनी डालेंगे, इसमें 1.5 कप मिल्क डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चीनी हम थोड़ा कम ही डाले हैं क्योंकि पुए को हम चाशनी में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसमें और लग रहा है कि मिल्क पड़ेगा तो और थोड़ा सा हाफ कप मिल्क इसमें ऐड करेंगे। देखिए हाफ कप मिल्क ऐड कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, लम्स हट जाएंगे। जब भी आप पुए का बैटर बनाएं तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब देखिए बैटर एकदम तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह रखनी है, ना बहुत गाढ़ा है ना बहुत पतला है। अब इस बैटर को 40-45 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। आइए जब तक हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक बर्तन में मैंने 2 कप चीनी डाला है और 3 कप पानी डालेंगे। देखिए इस तरह से। अब इस चाशनी को उबलने के लिए रख देंगे। पुआ और गुलाब जामुन का चाशनी एक ही तरह से बनता है। देखिए इस तरह से उबल रहा है, चीनी मेल्ट हो गया है। अभी अच्छी तरह से उबलने लगा है, इसमें केसर के कुछ धागे डाल देंगे। केसर के धागे डालने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 5-7 मिनट तक अच्छी तरह से उबलने देंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया। ये चाशनी तार वाली नहीं बनेगी, बस हाथ में उंगली में लगाइए, चिपचिपा होना चाहिए। अब ये चाशनी तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। अब पुए के बैटर को अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए तैयार है अच्छी तरह से। घी गर्म हो गया है, अब इसमें बैटर को कटोरी या डब्बू से इस तरह डालेंगे। पुए को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। देखिए ये फूल रहा है। अब करछी से इसके ऊपर घी को डालेंगे इस तरह से। अब इसे उल्टा कर देंगे और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। नहीं तो फिर अंदर से ये कच्ची टाइप की हो रह जाएगी, अच्छी तरह से पकेगी नहीं। इसे अलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें। देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है और अच्छी तरह से फूल चुका है और पक भी चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। निकाल कर इसको हम चाशनी में डालेंगे। बाकी बचे हुए पुए को भी इसी तरह तल लें। लो फ्लेम पे ही बनाइएगा।
देखिए लो फ्लेम पे डब्बू या कटोरी से डालिएगा और इसे धीरे धीरे पकने दीजिएगा। धीरे धीरे अपने आप फूलने लगेगा। देखिए फूल रहा है। अब करछी से इसके ऊपर घी को डालिए। देखिए अच्छी तरह से फूल गया। अब इसे पलट देंगे। अब इसे पलटते पलटते हुए अच्छी तरह से पका लें। अब इसे अलटते पलटते हुए पका लेंगे। तले हुए पुए को चाशनी में डालेंगे। गर्म चाशनी में पुए को डालेंगे। इसे 2-3 सेकंड के लिए पुए को रखेंगे। उसके बाद इसे निकाल लेंगे चाशनी से। अब देखिए भी पुआ तैयार है। इसे भी तैयार होने पे चाशनी में डाल देंगे। आप भी एक बार ज़रूर इसे बनाइएगा। ये एकदम मिठाई की तरह लगता है। देखिए इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। अब इस पुए को भी चाशनी में डाल देंगे। अब तैयार है। आइए सर्व करते हैं। थोड़ी सी चाशनी ऊपर से डाल दें प्लेट में डालने के बाद। देखिए इस तरह से अब इसे सर्व करिए।